नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमेश्वर सुथार और मैं क्लास 11 और 12 को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, हम आज क्लास 12 की जो छोरी की बुक्स है और उसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन, जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर अलावा हम एस सी वर्मा के क्वेश्चन, जो दे एडवांस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे, मेन में जो क्वेश्चन आ रखे, नीट में जो क्वेश्चन आ रखे, उसको लेते हुए जो एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेते हुए हम बोर्ड की छोरी को कवर करें क्लास 12 की। ठीक है, तो क्लास 12 की जो थ्योरी है वो थ्योरी एक यूनिटों को डिवाइड कर रखी है। मतलब पहले जो चैप्टर था लेसन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड था, पर अब बोर्ड ने कुछ पैटर्न चेंज कर दिया। बोर्ड का जो इस बार का पैटर्न है उसमें बोर्ड ने अब जो है चैप्टर को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया, तो हम उसको चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो पहले देखते हैं क्लास 12 में कौन कौन सी यूनिट है उसके बारे में स्टडी चल रहा। ठीक, तो क्लास 12 जो है, क्लास 12 में वैसे तो यूनिट बहुत सारी है, पर हमारी अभी हमारा स्टडी पहले फोकस पे रहेगा, तो मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की स्टडी करना चाहते हैं हम। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो कौन सी है, स्थिर वैद्युतिकी में जो होता है वो भी बताएंगे क्या होता है इस चीज के बारे में। पर हम देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी जो बोर्ड की यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसका जो अंक बार है वो कुल 7 नंबर का है, और ये जो है पैटर्न रहता है 2+1+2+4 का। ये कैसे डिवाइडेड सोन रखा है, कौन से पोर्शन में न्यूमेरिकल वाले से ज्यादा रहते हैं, उस चीज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, उस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर कितने पोर्शन, कितने चैप्टर है, पहले हम वो देखते हैं। तो हमारा मेन पोर्शन जो है पहले लेसन नंबर फर्स्ट की बात देखते हैं। तो लेसन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें कुल 4 चैप्टर है, मैं आपको मैं लगा देता हूँ। लेसन नंबर सेकंड, और उसके बाद लेसन नंबर थर्ड, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लेसन नंबर फोर। ठीक है, ये 4 पोर्शन है, इन 4 पोर्शन का वेटेज जो मिला करके यूनिट बनती है, यूनिट का वेटेज जो है वो 7 नंबर का। ठीक है, तो अब हमारे पास जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहला टॉपिक जो लेसन नंबर फर्स्ट में जो पॉइंट ऑफ चलते रहेंगे वो है विद्युत आवेश, उसके बाद उसकी गुणधर्म हमारा टॉपिक रहेगा, गुणधर्म के बाद विद्युत आवेश से संबंधित जो कूलम्ब का नियम है, वो कूलम्ब का नियम। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम के बाद जो कूलम्ब के नियम से बहुल आवेशों के कारण, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत। और नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हमारे पास इसमें पढ़ेंगे हम लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर, वो होगा अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हमारे पास आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता, और उसी में पढ़ लेंगे हम क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं, उसको बल रेखा भी बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं और उसकी गुणधर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या होता है द्विध्रुव उसके बारे में देखते हुए हम चलेंगे आगे। द्विध्रुव की गुणधर्म अक्ष और निरक्ष की तीव्रता भी हमें इसी में निकालनी है। ठीक है, और इसके जो लास्ट टॉपिक बोर्ड का है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण, ये हमारे पास इसका दूलेगा ये। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी की स्टडी, जेई मेन में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, जो कॉम्पिटेटिव लेवल के और बोर्ड में आने के इंपोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन की स्टडी इस चैप्टर के बाद कंप्लीट। ठीक है, लेसन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो है गॉस का नियम और उसका अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस का नियम और उसका अनुप्रयोग जो है इसमें कौन कौन से पोर्शन है चैप्टर के अंदर, तो पहले हम वो देखते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। के बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास इसका वो है सतत आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण, उसके बाद हमारे पास है गाउस के नियम, गाउस का नियम आ गया,
है उसका नियम, ठीक है, वो उसको गुलाम के नियम से समझते हैं अपन, गुलाम के नियम से, गुलाम के नियम से सत्यापन, ठीक है, गुलाम के नियम के सत्यापन के बाद हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो एप्लीकेशन में इसके बोर्ड में आ रखे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में, कॉम्पिटिटिव लेवल में पर बोर्ड में बहुत मेन पोर्शन है जो एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग में जो पहला पोर्शन आएगा हमारे पास ये आएगी अचालक परत, अचालक परत, उसके बाद चालक परत पढ़ेंगे, मतलब हमें इसका अनुप्रयोग में जो निकालना मेन पोर्शन हमें निकालना क्या अनुप्रयोग के अंदर इन जितनी भी एप्लीकेशन है उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, चालक परत, ठीक है, उसके बाद रेखिक तार, रेखिक तार, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है खोखला गोला, दांत में खोखला गोला, खोखला गोला, अगला हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा धात्वी गोला, धात्वी गोले के कारण इम्पोर्टेंट धात्विक, धात्विक गोला, धात्विक गोले के बाद हमारे पास आएगा ठोस उचालक गोला, ठोस उचालक गोले के कारण क्यों होता है, ये इस टॉपिक से, इसके एप्लीकेशन से, इसके एप्लीकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो विद्युत बल है चालक साबुन के बुलबुले का संतुलन है वो देखेंगे हम, कौन सा साबुन के बुलबुले का संतुलन, साबुन के बुलबुले का संतुलन, ये टॉपिक हमारे पास रहेगा इसके, इसके और जो टॉपिक और भी है वो हम आगे देख लेंगे इस टॉपिक से आएंगे, ठीक है, इसके अलावा इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि इस चैप्टर से 2000 जो 19-20 का जो चैप्टर था टेस्ट था उसमें न्यूमेरिकल्स आया था इसका दो नंबर में, क्योंकि ध्यान रखना कि दो नंबर दो टॉपिक आएगा ना जहाँ तक चांस रहते बोर्ड के वो न्यूमेरिकल से लेते, और इस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल आया था ना इसी के लिए पेपर मतलब कहते हैं कि लोग हार जाना, मतलब स्टूडेंट कह रहे बच्चे के समय पर हार था कि इसका ये न्यूमेरिकल छोटा टिपिकल था, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है लेसन नंबर थर्ड, लेसन नंबर थर्ड जो है वो है विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास चलेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर फोर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक रहेगा विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, ये विभव होता क्या है उसके बारे में, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विभव के बाद इसके मात्रक और तोषक के अंदर आ जाएंगे, विद्युत विभव के बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व विभव के मध्य संबंध, क्षेत्र व विभव के मध्य संबंध, ठीक है, उसके बाद हमारे पास विभव के अनुपयोग, ठीक है, विभव के अनुपयोग, अनुपयोग में वापस वही है ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोले के कारण विभव, खोखले गोले के कारण विभव, खोखले गोले के कारण विभव, नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा खोखले गोले के कारण विभव, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा खोखले गोले, उसके बाद धात्विक गोला, धात्विक गोले के कारण पोटेंशियल, और अगला जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, धात्विक गोला आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास खोखला गोला, ये चीज तीन एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन के बाद हमारे पास इसी के अंदर आएगा विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है, अब हमारे पास विद्युत को घुमाने के लिए जो यहाँ पे बल लागू था उसका नेक्स्ट पोर्शन यहाँ डाला गया वो है कार्य, ठीक है, घुमाने के लिए किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया, द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये इसका पोर्शन है, एक दो टॉपिक रह गए होंगे वो हम इस चैप्टर आएंगे तो कॉल करेंगे पूरा, ठीक है, अब हमारे पास तो नेक्स्ट टॉपिक है लेसन नंबर फोर्थ है वो है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, और इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये पार्ट इसी में संधारित, संधारित, ठीक है, मेन पोर्शन इस पार्ट का यही है संधारित, ठीक है, उसमें हम पहले पढ़ेंगे ध्रुवण के बारे में, ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण, ठीक है, पराविद्युतांक, पराविद्युतांक पदार्थ क्या होता है, ध्रुवीय पराविद्युत ध्रुवणता, वो सब इस टॉपिक में आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर हमारे पास संधारित, तो संधारित से पहले पढ़ेंगे धारिता, ठीक है, धारिता के अनुप्रयोग जो पृथ्वी के कारण कितनी धारिता है उसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे संधारित्व के बारे में, ठीक है, संधारित्व, संधारित्व में हमारे पास टॉपिक आएगा
पहला संधारित्र के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो संधारित्र के प्रकार देख लेते हैं। पहले समांतर प्लेट पढ़ेंगे, समांतर प्लेट, ठीक है। समांतर प्लेट के बाद हमारे पास दूसरा जो वर्ल्ड में टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, ठीक है। गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, बेलनाकार संधारित्र आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र जो समांतर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो टॉपिक्स है उसको भी डिवाइडेशन कर रखा है बहुत सारे पार्ट में। मतलब जो प्लेटों के बीच में मीडियम डाल, मीडियम के ऊपर अकॉर्डिंग, तो पहला हमारे पास इसमें आ जाएगा मीडियम क्या हो, निर्वात, दूसरा पूर्ण, पूर्णतः कुचालक पदार्थ भरा, उसके बाद तीसरा आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, आंशिक रूप से, ठीक है। उसके बाद भिन्न भिन्न पट्टिकाएं, भिन्न भिन्न पट्टिका, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम वह समांतर क्रम, शीर्ष माफ करना यहाँ पे लिखना देखा नहीं जा रहा तो इसलिए थोड़ा समझना कंफ्यूज करना, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा संधारित्र के बाद वो ऊर्जा हानि, ठीक है। ऊर्जा हानि, ऊर्जा का पुनर्वितरण, ये टॉपिक है हमारे पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो ये देखो यहाँ पे डालते हैं अंक 12 के अंदर। अंक 12 के अंदर पहला जो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इन चारों पार्ट में से कहीं भी आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन भी इन चारों पार्ट में से कहीं भी आ सकता है, और चार नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक सुविधा है कि ये क्वेश्चन अथवा में आए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो अथवा में आएगा। इसलिए हमें ये डरना कि अथवा में आने का मतलब ये नहीं है कि आधे चैप्टर कर लेते हैं, आधे नहीं, पूरा कंसेप्ट पूरा कीजिए, ठीक है।